Hey guys, it's Miriam Adil and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंटी एजिंग ब्राइटर फेशियल मास्क एलो एंड ग्रीन टी फेशियल मास्क। ये आपको एक दफा के यूज से ही बहुत ही जबरदस्त ग्लो देगा, बहुत ही प्यार से आपकी स्किन के ऊपर से डेड लेयर को हटा के आपकी स्किन को फेयर एंड ग्लोई दिखाएगा। बढ़ती हुई यानी कि मैच्योर एज स्किन के साथ साथ ये टीनएजर्स स्किन पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, तो इसको बगैर डरे कम एज के लड़के लड़कियां भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही बड़ी एज के जेंट्स एंड लेडीज़ भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलें देख लेते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसकी मेकिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे अभी न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मेरे चैनल पे कोई न्यू ऐसे ही इफेक्टिव वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमारे फेशियल का सबसे मेन और पहला इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। यहाँ मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है, आपको भी फ्रेश एलोवेरा जेल ही यूज़ करना है। के बाद हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो है चिकपी फ्लावर, बेसन या ग्राम फ्लावर। फिर हम लेंगे ग्रीन टी, यहाँ मैंने टी बैग का यूज़ किया है। अगर आपके पास खुली हुई ग्रीन टी है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। फिर हम यहाँ ले लेंगे ऑरेंज पील पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे ग्रीन टी ऑयल, ग्रीन टी ऑयल आपके पास अगर नहीं है तो इसके अलावा आप एलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसके अंदर हम ग्रीन टी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक टी बैग लिया है, मेजरमेंट इसलिए दिखा रही हूँ, अगर आपके पास खुली हुई ग्रीन टी है तो उसको थोड़ा थोड़ा बारीक करने के बाद आप एक टी स्पून इसमें ग्रीन टी ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन यानी ग्राम फ्लावर या चिकपी फ्लावर, 2 स्पून मैं इसमें ले रही हूँ। आप अपने फेस की या जितना भी आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर के अलावा अगर आपके पास लेमन पील पाउडर है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप ऐड नहीं करें। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप टर्मेरिक का यूज भी कर सकते हैं। तो हमने इसमें डाल दिया ऑरेंज पील पाउडर उतना ही जितना हमने ग्रीन टी इसमें ऐड की थी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, मैंने नाइफ के थ्रू रब करके इसको निकाला है। आप चाहें तो ग्राइंडर में एलोवेरा जेल के पल्प को डाल के ग्राइंड करके भी उसका लिक्विड बना सकते हैं, वो थोड़ा इजी हो जाएगा इसमें डालने में। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया एलोवेरा जेल। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन टी ऑयल। ग्रीन टी ऑयल हमें 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास ग्रीन टी ऑयल है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास ग्रीन टी ऑयल नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल या एलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रीन टी ऑयल है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बनाना चाहते हैं और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर मैं आई कार्ड में इसका लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अभी सब चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स देंगे। जिस फॉर्म में मैंने एलोवेरा जेल इसमें डाला है, यानी नाइफ से रब करने के बाद एलोवेरा जेल मैंने इसमें से एक्सट्रैक्ट किया है, तो ये थोड़ा सा मिक्स करने में प्रॉब्लम देगा, लेकिन ये बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा और उसके बाद स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। लेकिन अगर आप इस तरह से निकालना नहीं चाहते तो आप पल्प को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, स्कूप आउट करने के बाद ग्राइंडर की जग में लिक्विड बना सकते हैं। अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें एलोवेरा जेल और ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है इसमें एलोवेरा जेल की। तो यहाँ मैं इसमें एलोवेरा जेल 1 और 2 स्पून के बराबर इसमें ऐड कर दूंगी, जितनी आपको नीड हो उतनी आप डाल सकते हैं। इसमें कोई मेजरमेंट मैंने नहीं लिया एलोवेरा जेल की, या आप देख सकते हैं मेरा 1 स्पून के बराबर इसमें एलोवेरा जेल मैंने और डाला है। और इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है स्पून के ही थ्रू, और आप देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, इतना ये लिक्विडी सा आपको लग रहा है, ये जेल फॉर्म में है इसलिए। तो ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। फेस पे अप्लाई करने के बाद स्किन को क्लियर करेंगे, या तो आप उसकी क्लिनजिंग करेंगे या जस्ट रोज वाटर को कॉटन में लेके उससे अपने स्किन को साफ कर लेंगे। और उसके बाद इस
मास्क को अपने फेस पे आपने अप्लाई करना है, इसी तरह से आपने लगाना है और 10 मिनट्स के लिए इसको लगा रहने देना है। 10 मिनट्स के बाद जब फेस आपका जो मास्क है वो थोड़ा ड्राई आउट होगा, तो उसके बाद आपने बहुत जेंटली इसको मसाज देना है फेस को, और ताकि आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो जाए। ग्रीन टी का यूज किया, ऑक्सीडाइज करेगी स्किन को आपके, तो इस तरह से मसाज करेंगे और उसके बाद इसे 10 मिनट और लगा रहने देंगे, और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है नॉर्मल टैप वाटर से। फेस को वॉश करने के बाद आपने ड्राई करना है किसी भी टॉवल से या टिश्यू से, उसके बाद आपने कोई भी टोनर अप्लाई कर लेना है। सो गाइस, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।